देयर गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेस, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिलाती है बिल्डर बेस एंड होम बेस दोनों में। सो गाइस, लास्ट वीडियो था आपके लिए खास कि आप कैसे मेरी स्ट्रेटजीज लर्न कर सकते हैं और उनसे 3 स्टार इजीली हासिल कर सकते हैं, टिप्स को ध्यान रखने का, और अटैक इजीली आपका 3 स्टार हो जाएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो आपको मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सारे नए वीडियोस आने वाले एक्साइटिंग। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए बढ़ते आज के वीडियो की तरफ। आज मैं लाया हूँ आपके लिए ब्लिजार्ड स्ट्रेटजी। जी हाँ, ब्लिजार्ड मतलब सुपर विजार्ड प्लस बैटल ब्लिंप, उसे कहते हैं हम ब्लिजार्ड शॉर्ट फॉर्म में। और ब्लिजार्ड के साथ मैं यूज करूंगा आर्मी ड्रैगन्स की। तो चलिए लेट्स सी द अटैक। यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ 12 ड्रैगन्स, तो मास ड्रैगन अटैक है ये। और जैसे कि आपको पता है ब्लिजार्ड, सो बैटल ब्लिंप में सुपर विजार्ड और एक जायंट, और हमारा आर्चर क्वीन है, बारबेरियन किंग है। स्पेल्स आप देख सकते हैं, एक रेज लिया है मैंने, एक क्लोन स्पेल लिया है। क्लोन स्पेल मेरा मैक्स नहीं है, आपको मैक्स कर लेना है, लेवल 3 का क्लोन स्पेल मैक्स होगा। और 5 फ्रीज लिए मैंने और एक पॉइजन। और सीसी में बैटल ब्लिम, सुपर विजार्ड और इनविजिबिलिटी स्पेल। सो लेट्स सी द अटैक गाइस। पहले तो आपको बैटल ब्लिम को टीएच की तरफ डालना है, तो टीएच की तरफ डालने के लिए आपको एयर स्वीपर की डिटेक्शन का ध्यान रखना होगा। आप एयर स्वीपर की रेंज में नहीं आने चाहिए, उस तरह से डालिए। देखिए मैंने डाल दिया है, साथ में डाल दिया है बारबेरियन किंग और आर्चर क्वीन, वो फनल क्रिएट कर देंगे। अब हमें यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। पहले डाल दीजिए रेज, इनविजिबल स्पेल, क्लोन स्पेल, सब साथ में डाल दीजिए। सो अब हमारे सुपर विजार्ड, देखिए सुपर विजार्ड ने इलेक्ट्रो भी डाउन कर दिया है, एक इन्फर्नो भी डाउन कर दिया है, और अभी भी वो बाकी की चीज़ें डाउन कर रहे हैं। सो सुपर विजार्ड्स ने ही हमारा आधा बेस क्लियर कर दिया। वे टू गो सुपर विजार्ड्स। और अब सीसी ट्रूप भी हो चुका है डाउन, तो सारे ड्रैगन्स डाल देंगे, मास ड्रैगन्स, ऑल 12 ड्रैगन्स डाल दीजिए। पॉइजन तो सीसी ट्रूप तो बचे नहीं, तो हम क्वीन पे डाल देंगे फ्रीज और पॉइजन, एक्स्ट्रा फ्रीज हमने इसलिए लिया ताकि हम अपने ड्रैगन को एयर डिफेंसिस से मेन प्रोटेक्ट कर सके और इन्फर्नो से। तो आपको लगता है कि एयर डिफेंसिस बहुत डैमेज दे रहे हैं, तो आप फ्रीज कर दीजिए उन्हें। अब 2 फ्रीज बचे फिर भी, तो हम वो डाल देंगे एक्सपो और विजार्ड टावर पे। हमारी क्वीन अभी भी लाइव है, और अब ये क्वीन नहीं बची, लेकिन मैक्सिमम ड्रैगन्स हमारे बचे हुए हैं। फ्रीज सारे हमने यूज कर लिए और डिफेंसिस अब थोड़े ही बचे, और हमारे ड्रैगन्स उनके खिलाफ बहुत सारे। सो इजीली हम ये अटैक 3 स्टार कर जाएंगे गाइस। ब्लिजर्ड प्लस ड्रैगन, ये हमारी आज की आर्मी। और ये इजीली उन्होंने सारे डिफेंसिस डाउन कर दिए हैं, और अब एक मोर्टार बचा है, वो तो ड्रैगन को कुछ नहीं कर पाएगा। सो हमारा अटैक हो गया है 3 स्टार। देखिए कितने सारे ड्रैगन बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रैगन बचे हुए हमारे। 12 लिए थे जिसमें से 8 बचे। सो आप सोच सकते हैं कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी है। लेट्स सी अनदर अटैक। देखिए यहाँ पे एयर स्वीपर के ऑपोजिट से मैं डालने वाला हूँ बैटल ब्लिम। देख लिया आपने, एयर स्वीपर कुछ नहीं कर पाएगा, और हमने डाल दिया बारबेरियन किंग एंड आर्चर क्वीन। फिर फोकस करिए बैटल ब्लिम पे, डाल दीजिए रेज, इनविजिबल एंड क्लोन। इनविजिबल डालने में आपने जरा सी भी देर की तो सारे सुपर विजार्ड्स डाउन हो जाएंगे। देखिए क्या टीएच को भी ले लिया है सुपर विजार्ड्स ने, टीएच डाउन, इलेक्ट्रो डाउन, बलून डाउन। वाओ, क्या वैल्यू मिली हमें सुपर विजार्ड्स से। देखिए एक इन्फर्नो डाउन, टीएच डाउन, सीसीवी डाउन। वे टू गो सुपर विजार्ड्स। तो अब हमारा डिफेंसिस उधर साइड के क्लियर हो गए, तो हम अपोजिट साइड से सारे ड्रैगन्स डाल देंगे।
दो एयर डिफेंसेस भी सुपर विजर्ड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए, सो ये अटैक हमारा बहुत इजी जाने वाला है। जो दो एयर डिफेंसेस बचे हैं उस तरफ से अटैक कीजिए अब, और फ्रीज बचे तो डालते रहिए कहीं भी। पॉइजन भी हमारा बच गया है, तो अगर आप सुपर विजर्ड से ही सीसी ले पा रहे हैं तो पॉइजन की जगह भी आप एक और फ्रीज ले सकते हैं। अब पॉइजन मेरा बच गया तो मैं ऐसे ही कहीं भी डाल दूंगा उसको। ये देखिए विजर्ड टावर और एयर डिफेंस दोनों को फ्रीज कर दिया है मैंने। अभी भी हमारे मैक्सिमम ड्रैगन्स जो है वो बचे हुए हैं, लेकिन एक एयर डिफेंस बचा है जो उन्हें बहुत डैमेज दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम ये अटैक भी कर जाएंगे 3 स्टार। लेट्स वेट एंड वॉच। हमारे ड्रैगन्स को उनका काम करने दीजिए। अब देखिए वो जाएंगे सीधा एलिक्सर स्टोरेज और एयर डिफेंस की तरफ। तो हमारे मैक्सिमम ड्रैगन जो है बचे हुए 6-7 ड्रैगन दिख रहे हैं यहाँ पे, और डिफेंसिस बचे हैं सिर्फ 2। तो इजीली वो सारे डिफेंसिस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमारा अटैक हो जाएगा 1 3-star। सो गाइस इजीली अटैक भी हमने कर लिया है 3 स्टार। ब्लिजार्ड पे ध्यान दीजिएगा, ब्लिजार्ड के लिए पहले ब्लिम्प डालिए अपोजिट टू एयर स्वीपर। एयर स्वीपर पे डाल दिया, जैसे टीएच की तरफ वो बढ़ा तो आपको रेज डालना है पहले, और जैसे ही ब्लिम्प खुले तुरंत डाल दीजिए इनविजिबल स्पेल एंड क्लोन स्पेल। सो लेट्स सी अनदर अटैक ऑफ द सेम स्ट्रेटजी। देखिए एयर स्वीपर की पोजीशन उस तरफ है, तो मैं डालूंगा ब्लिम्प इस तरफ से, और उस तरफ मैंने डाल दिए बार्बेजन किंग और आर्चर क्वीन। देखिए बहुत बढ़िया वैल्यू ले जाएंगे हम इस बार भी सुपर विजार्ड से। रेज डाल दिया है, ब्लिम्प खुला, इनविजिबल एंड क्लोन। सुपर विजार्ड दोनों इन्फर्नो डाउन। व्हाट एन वैल्यू, दो इन्फर्नो डाउन हो चुके, इलेक्ट्रो भी निकल चुका है। सो अब उसे हम ले जाएंगे क्वीन की तरफ, जिससे क्वीन उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, और फिर हम चालू कर देंगे हमारे ड्रैगन्स। पॉइजन मैंने डाल दिया आर्चर क्वीन पे, हमारे सारे ड्रैगन्स अंदर की तरफ बढ़ते हुए, फनल हो चुका था क्रिएट थैंक्स टू बार्बेरियन एंड आर्चर क्वीन। सो अब बचे हैं 2 एयर डिफेंसेस एंड 1 फ्रीज बचा है जो मैंने डाल दिया है। 2 फ्रीज बचे थे दोनों डाल दिए। सो अब दोनों एयर डिफेंसेस हो चुके हैं डिस्ट्रॉय, सो इजीली हमारा अटैक हो जाएगा 3 स्टार, क्योंकि इन्फर्नो तो सुपर विजार्ड जी डाउन कर गए थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुपर विजार्ड से आप मैक्सिमम वैल्यू ले पाए तभी आप अपना अटैक 3 स्टार कर पाएंगे। यहाँ पर मेरा क्लोन स्पेल अपग्रेडेड नहीं था, फिर भी मैं अटैक 3 स्टार कर पा रहा हूँ। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्लोन स्पेल को अपग्रेड कीजिए, जिससे और भी ज़्यादा सुपर विजार्ड्स क्लोन हो जाएंगे, तो वो और भी ज़्यादा वैल्यू देंगे आपको। तो गाइस सारे एयर डिफेंसेस हो चुके हैं डाउन, और आर्चर टावर भी सब डाउन है, बचे हैं कैनन्स एंड मोर्टार जो ड्रैगन का कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हमारा अटैक ये भी हो गया है 3 स्टार। देखिए बहुत सारे ड्रैगन्स हमारे अंत तक बचे रह रहे, मैक्सिमम 6-8 ड्रैगन्स बच रहे हैं हमारे लास्ट तक। सो ये एक बहुत इजी स्ट्रेटजी है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ब्लिम्प डालने की प्रैक्टिस करिए, एयर स्वीपर से बचना है, फिर एयर डिफेंसेस को फ्रीज से डाउन करना है, और फिर हमारा अटैक इजीली 3 स्टार हो जाएगा। फनल करना है आपको बार्बेजन किंग और आर्चर क्वीन से। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मैं चलता हूँ अब, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट।